सोचो, जब अफान को पता चलेगा कि उसकी बीवी, छोटा मोटा सरप्राइज देने का दिल चाह रहा था मेरा। सरप्राइज तो तुम्हारी माँ ने रखा है तुम्हारे लिए बेटे। तुम्हें मेरी माँ की जिंदगी से जाना होगा बेटा। मैं नहीं जाऊंगा। और अगर वो मर गया क्या होगा मेरा? ये जेल चला जाएगा। एक बात याद रखना, जिल्लत और शर्मिंदगी का सफर जहाँ से शुरू होता है ना, वहीं आकर खत्म होता है। दोबारा एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 20th अक्टूबर। मौका मिलते ही उसकी जान ले ली। माफ नहीं कर सकता हूं इन्हें मैं कभी भी, ना इस लड़की को और ना ही इसके भाई को। लड़का इंजीनियर है, दोहा में होता है और कह रहे बहुत वेल सेटल लोग हैं। मैं आप लोगों से दूर कहीं नहीं जाऊंगी, आप उनको साफ मना कर दें। और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अरे लड़की ना, वो शादी नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती ना करे। ये बताए मेरी बीवी का ऊपर कमरे में चली ना। हिम्मत पकड़ो, इस तरह उदास होने से मसले मसाइल हल नहीं होंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे, मेरा दिल बहुत भीगा है पर राहिल पता नहीं किस हाल में होगा। और अब तो इतने दिन हो गए, उसकी जमानत क्यों नहीं हो रही? मोहसिन अली दुश्मनी पे उतर आया है, उसका वकील पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह इस हादसे को कत्ल कर रूप दिया जाए। ना सिर्फ ये, वो अपने आवारा बेटे के साथ अलीजे का ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इतना घटिया इल्जाम मेरी बच्ची? उसके आवारा बेटे के किरदार से हर कोई वाकिफ है। अलीजे का नाम लेके ना सिर्फ इस वाकये को कोई और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि हमारी इज्जत को भी दागदार किया जा रहा है। अब क्या होगा रवि, वकील क्या कहता है? कोशिश कर रहा है वो, लेकिन अगर वो नाकाम हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मेरी बेटे की जिंदगी का सवाल। रफीक देखिए, आप कुछ भी करें मेरे बेटे को वापस कर ले, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं कोशिश कर तो रहा हूं, अभी तो मुझे ये परेशानी है कि अगली तारीख पे अलीजे को अदालत में पेश होना होगा। न जाने वो उससे किस किस्म के सवाल पूछेंगे और राहिल पर क्या गुजरेगी। मैं जाके इन मसलों को निपटाऊं तो ये परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मामला है? बड़ा उदास बैठा है। सुना है कत्ल की है इसने। तो कत्ल तो हमने भी किया है, लेकिन हम तो उदास नहीं। शकल से शरीफ लगता है ना, इसके बहन का किसी लड़के के साथ चक्कर था, गैरत में आके गोली मार दी। खबरदार, अगर तुमने अपनी जुबान से मेरी बहन का नाम लिया, तुम दोनों की जुबान खींच लूंगा, समझे तुम लोग? इससे तो गुस्सा भी आता है। बकवास बंद कर ले, वरना मैं क्या हेलो हेलो अहमद, सब लोग मेरी वजह से बहुत तकलीफ में हैं। प्लीज मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि राहिल भाई की जिंदगी बच जाए। देखो रीजे, तुम हौसला रखो प्लीज। मैं मानता हूं कि मुश्किल वक्त, लेकिन तुम प्लीज अच्छा की उम्मीद रखो। वकील कोशिश कर रहा है ना, लेकिन वहां से भी तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। हाँ हाँ रीजे, जानता हूँ मैं, मेरी बात हुई थी आज, लेकिन तुम प्लीज उम्मीद तो ना छोड़ो ना यार। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अल्लाह ने चाहा ना
तो कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा। और वैसे भी हमें खुद बहुत परेशान है आप ही की वजह से। अलीज़े, वो मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। एक मिनट होल्ड ऑन। अलीज़े, वो क्या तुम जानती थी उस लड़के को पहले से? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं अलीज़े, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। देखो, जिस तरह के हालात बन चुके हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, ऐसे में मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ ये जानना कि क्या तुम जानती थी उस लड़के को पहले से? मुझे वो एक बार एकेडमी के बाहर मिला था। मुझे नहीं पता उसे मेरा नंबर कहां से मिला। उसके बाद वो मुझे परेशान करने लगा था। तो फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? तबरेज में शमीर के केस के बारे में बात करो। अकबर देख रहे सारे मामला, उसे पता है केस किस तरीके से हैंडल करना है। तुम जानते हो कि अलीज़े पे क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं? फिरोज मेरे बड़े भाई का कत्ल हुआ है और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उसका कत्ल अपने अंजाम तक पहुंचे और बस। और अलीज़े, तुम बार बार मेरे सामने उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? अच्छा नहीं करते। मेरा ख्याल था कि तुम वाकई अलीज़े से मोहब्बत करते हो। घर छोड़ो, ये बताओ कि इंस्टीट्यूट कब से ज्वाइन करोगे? काफी टाइम गुजर चुका है, आई थिंक तुम्हें इस फेज से निकल आना चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ, बाबा को ऑफिस में हेल्प भी कर रहा हूँ, बस इसीलिए टाइम नहीं मिलता। तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि अलीज़े अब वहाँ नहीं आए, तुम स्कूल से अपनी क्लासेस ले सको। ऐसा क्यों हुआ? देखिए मुझे, मेरी जिंदगी बेरंग हो गई है। मेरी जान, बस 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 कर दो बेटा। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था? तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, सब कुछ तो उस बदबख्त लड़की की वजह से हुआ। उसी ने हमसे हमारे शामिल को छीना है।
कौन लड़की? वही जिसके भाई से जामिन का झगड़ा हुआ था। क्या कह रही है ताई अम्मी? उसने बहाने से बुलाया था जामिर को और फिर अपने भाई के हाथों, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसके भाई के साथ साथ उसको भी सजा दिलवा देती। देख लिया ना आपने, कहती थी मैं कि बहुत मिसरी हैं, बैठे बिठाए हमारी जिंदगियों में इतनी बड़ी आफत ले आई। वाकई मुझे तो खुद बहुत हैरत हो रही है। मैं तो सोच रही थी घर की लड़की है, अच्छी तरबियत हुई होगी, अच्छा हुआ तुमने रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैं तो अपने अकलौते बेटे तक से ब्याहने का सोच रही थी उसे। रिश्तेदारों के फोन पर फोन आ रहे, जिनको नहीं पता था उन तक को पता चल गया। अचाल है पप्पू पर कोई फर्क पड़ा? उल्टा यहाँ तो अलीजे को कॉलेज जाने का कहा जा रहा है। कमाल है भाई, बड़ा ही हौसला है आलिया का। जवान बेटा उस लड़की की वजह से जेल चला गया और ये अभी भी उसे कॉलेज जाने की इजाजत दे रही है। वो को क्या फर्क पड़ता है, सर नुकसान तो मेरा हुआ है, अलीजे की वजह से मेरा शौहर मुजरिम बन गया। सिर्फ राहील ही नहीं, उनके साथ मैं भी तो सजा काटूंगी। हौसला रखो बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक गॉड सर आप आ गए, वरना हम आपको कॉल करने का सोच रहे थे। आप लोगों की पढ़ाई का खर्च इतना हो रहा था तो मुझे तो आना ही था। आपके भाई की मौत पे बहुत अफसोस हुआ, मैंने तो अपनी आंखों से देखा जब आपने। एक्चुअली मैं भी उसी मॉल में थी, हम सब फ्रेंड्स मूवी देखने गए हुए थे। और क्या देखा आपने? अलीजे ने अचानक अपने भाई को कॉल कर दी और वो बाहर चली गई। हमने बहुत देर उसका वेट किया, फिर जब हम बाहर गए तो अलीजे के भाई के हाथ में गन थी। और वैसे तो मैं उनको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, मैंने उस दिन उनको यहाँ आपसे बात करते हुए भी देखा था। आपने अलीजे को कॉलेज जाने की इजाजत देकर अच्छा नहीं किया, जानते तो हैं कि लोग किस तरह की बातें करें। मैं लोगों की बातों की वजह से अपनी औलाद के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, दुनिया का क्या है, वैसे भी दो धारी तलवार है, किसी भी रुख में जीने नहीं देती। लेकिन इसी दुनिया में रहना हमारी मजबूरी भी तो है, और इस तरह तो लोगों को और मौका मिल जाएगा बातें करने का। आलिया, तुम्हें पता है कि अलीजे की तालीम का आखिरी साल नहीं है, कितनी मेहनत की उसने, अब इम्तिहानों से पहले उसे घर रोक लूं ताकि उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाए। ठीक है, आपको जो बेहतर लगे आप करें, मेरा तो दिमाग पहले ही काम नहीं कर रहा था, राहिल की वजह से मैं बहुत परेशान। मैं भी जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है उससे मिलने। फिर कभी ले चलूंगा, अभी वकील उससे मिलके केस डिस्कस करना चाह रहे हैं, काफी वक्त लग जाएगा। मैं चलता हूं, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, परेशान मत होना। मैं ये सोच रही हूं कि रानिया अपनी जिंदगी ऐसे कैसे गुजारेगी। क्या मतलब है? मतलब ये कि अभी शादी हुई है, छोटी सी उम्र में ये बेवगी का बोझ, कसम खुदा की उसे देखती हूँ ना तो मेरा तो कलेजा कटता है। क्या कहना चाह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, खोल के कहो। मैं सोच रही थी कि जैसे ही उसकी इद्दत खत्म हो हम उसकी शादी करा देते। होश में हो तुम, जानती हो क्या कह रही है?
तुम्हारे बेटे का कफन मैला नहीं हुआ अभी, और तुम हो कि अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोच रहे। जवान लड़की है, कैसे अकेले सारी जिंदगी गुजारेगी वो? अकेली कहाँ है वो, हम हैं ना। बचपन से लेके आज तक उसे पाला है, वो अब भी ख्याल रख सकती है। पर तुम भूल क्यों जाती? अब वो सिर्फ अपनी ही नहीं, शामीर की भी सारी प्रॉपर्टी की मालिक है। तुम चलिए उसकी शादी कर दो। अरे लेकिन सारी जिंदगी अपनी ही बात करके गए, कभी मेरी नहीं सुनी। मैं कौन सा उसकी शादी कहीं बाहर करवाना चाह रही हूँ? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। हाय। कहते हैं दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। सही कह रही हो तुम। वैसे तुम्हारे दोस्त की दाद देना चाहिए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी वो यहाँ आ गई। इसकी जगह अगर कोई और होता ना, कब का खुदकुशी कर चुका होता। वैसे अली से मुझे लगता है तुम्हें अब कॉलेज नहीं आना चाहिए था, सबको तुम्हारे बारे में मालूम है। एक सेकेंड, मुझे कॉलेज क्यों नहीं आना चाहिए था? और सबको ऐसा क्या पता है मेरे बारे में? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मैं घर में छुपकर बैठ जाऊँ? देखो हम सब लड़कियाँ कॉलेज आती हैं, और तुम्हारी वजह से तो नहीं, तुम तो सब कुछ जानती हो। मैंने तुम्हें बताया था वो लड़का मुझे कॉल्स कर रहा था, मुझे तंग कर रहा था, वो उस दिन भी मुझे फॉलो कर रहा था, और जो कुछ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे क्या पता यार तुम्हें कौन कौन फोन करता था और तुम्हारा उस लड़के से क्या ताल्लुक था। और सच कहूँ तो मुझे भी ये बातें झूठी नहीं लगती, चिंगारी के बगैर आग नहीं लगती कभी। आप लोगों की कोई पुरानी दुश्मनी है उनसे? नहीं वकील साहब, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। वो बस हमारा मकान खरीदना चाहते थे और वो मेरे बेटे और बेटी के नाम पे इन्होंने इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है मोहसिन अली इसी बात का गुस्सा निकाल रहा है। वो बहुत ही शातिर और लालची इंसान है, कारोबारी हलकों में इसी वजह से मशहूर है। तो क्या हम इसी बात को बुनियाद बनाकर उनसे केस नहीं लड़ सकते? शायद आपने पूरा केस पढ़ा नहीं है जो उन्होंने दायर किया है। उन्होंने यही इल्जाम बमाय सबूत शामिल किए। आपका शामिल से कोई झगड़ा हुआ था? जी वकील साहब, उसने हमारे दफ्तर में घुसकर हमको धमकी दी थी, और उसके बाद भी वो डला नहीं था। वकील साहब, हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो हम कोशिश करेंगे। उनका केस ही मजबूत नहीं है, उनके ताल्लुकात भी बहुत ऊपर तक हैं, तभी तो अब तक इसकी जमानत नहीं हो सकी। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम इस सजा जरूर कम हो जाए, वरना आप तो जानते हैं कत्ल की सजा क्या है। अलीजे, अलीजे बेटा, अलीजे क्या हुआ? मेरे बच्चे क्या बात है? कुछ बताओ तो सही मुझे, क्या यूनिवर्सिटी में किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी सब लोग मुझे मुजरिम समझते, मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे मेरे ऊपर। अम्मी मैं बद किरदार नहीं हूँ, मैं आपसे कसम खाकर कहती हूँ मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं था, मैं नहीं जानती उसको। हाँ बेटा, ना मैं जानती हूँ, बस कर मत रो, ये दुनिया तमाशा देखती है बेटा। किसी की तकलीफ, किसी की मजबूरी, इन लोगों के लिए तफरी है बेटा। अपने ही हमारे इल्जाम लगा रहे, वहां गहरों की बातों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अम्मी, बहुत फर्क पड़ता है। फरहीन तो मेरी अपनी दोस्त है ना, उसने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया,
वहां पर सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे सब बहुत अच्छे हूँ और मैं गुनाहगार हूँ। तुम्हारे अब्बू से कहा था भेजे तुम्हें यूनिवर्सिटी, फिर भी फिक्र है तुम्हारी पढ़ाई की, लेकिन अब नतीजा देख लिया। राहीम की परेशानी क्या कम है जब अब लोगों के जहरीले तंज भी हम सहे। अम्मी, क्या मैं अब कभी बाहर नहीं जा सकूंगी? क्या मुझे हमेशा लोगों से छुपना पड़ेगा? इस बात का जवाब नहीं मेरे पास। मैं तो ये परेशान हो रही हूँ कि कल जब अदालत में तुमसे किस किस्म के सवाल पूछे जाएं तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? यूनिवर्सिटी में लड़कियों की बातें नहीं सह पाई तो वहां जो इल्जाम लगेंगे का सामना तुम कैसे करोगे? इतना हौसला रखना अपन, बहुत हौसला। एक्चुअली मैं भी उसी मॉल में थी। अलीजा ने अचानक अपने भाई को कॉल कर दी और वो बाहर चली गई। फिर जब हम बाहर गए तो अलीजा के भाई के हाथ में गन थी। इसका मतलब बाबा की बात ठीक है? क्या ये सब कुछ है प्लानिंग के तहत हुआ है? बस ऐसे ही। आप बताएं कोई काम था? कोई काम नहीं, बस ऐसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। हमारे बाबा ने तो अपने आप को काम में मसरूफ कर लिया और तुम भी बिजी हो गए हो। मैं और रानिया रह गए, हम चाहते हुए भी अपने आप को नहीं बहला सकते। कैसी है रानिया? कैसी हो सकती, जड़ गई मेरी बच्ची, हर वक्त रोती रहती है। जुल्म भी तो उसके साथ हुआ है ना। अम्मी आप प्लीज उसे मेरी तरफ से पूछती रहा करें। तुम खुद उससे पूछ लेना, अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं उसकी इद्दत खत्म होने में। तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो ना। मैं ये सोच रही थी कि तुमसे बेहतर उसे कौन संभाल सकता। तबरेज़ मैं सोच रही थी कि रानिया की जैसी इद्दत खत्म होगी हम तुम दोनों की शादी करा दें। ये अब क्या कह रही है? मेरी शादी रानिया से कैसे हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? रानिया इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है, और फिर उसे तुमसे बेहतर और कौन सहारा दे सकता है? घर की बात घर में रहेगी ना। तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, वैसा करो आ जाओ, हाथ सब मिलके खाना खाएंगे। पास आके लौट जाए क्यों हर खुशी, मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करें कि सोया जीवन फिर से जी उठे। लबों पे कल कोर्ट में हेयरिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट, मैं नहीं जा पाऊंगा, इसलिए तुम चले जाना तबरेज़। ठीक है बाबा, मैं चला जाऊंगा। इतना वक्त हो गया, आखिर कब होगा फैसला? देखो इस तरह के केसेस में 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं होते, बड़ी जल्दी फैसला हो जाएगा। मेरे दिल को तो जब ही सुकून आएगा कि जब उसके कातिल को
फांसी की सजा होगी। उसे फांसी की सजा तो हो ही जाएगी, लेकिन उस खानदान को तड़पता सिसकता देखकर जो सुकून मेरे दिल को मिल रहा है ना, उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खानदान बातें कर रहा है, हर एक की जुबान में सिर्फ यही किस्सा है। बजाय के इस परेशानी में हमारा साथ देने के, वो लोग तो दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। बातें यूं ही नहीं बन जाती आलिया, अब इतना जो कुछ निकल के सामने आ रहा है तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। मम्मी ये सब ना फुफ्फो की छूट का नतीजा है, मैं आपको बता रही हूँ। मजाल है जो सरीजे के साथ कभी भी किसी किस्म की कोई रोक टोक की हो। शहरीना तुम तो बस करो, तुम्हें तो मौका चाहिए लीजे के बारे में कुछ भी कहने। अच्छा शहरीना को तो तुम चुप करवा लोगी, लेकिन और किस किस के मुंह बंद करवाओगी? पूरी बरादरी में बात हो रही है, अगर तुमने बेटी पे अपने कंट्रोल रखा होता ना तो आज ये दिन ना देखने को आ रहा होता। मुझे तो अब अपनी शहरीना की फिक्र खाई जा रही है, और जिस तरह राहील की छूटने की दिन ब दिन उम्मीद खत्म होती जा रही है, पता नहीं मेरी बेटी के मुकद्दर में क्या लिखा है। नहीं बेटा, जज साहब, शामीर एक पैसे वाले बाप का बेटा था, अलीजे के अलावा बहुत सी लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, तो फिर उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? शामीर के सेल फोन से इसके नंबर पर अनगिनत कॉल्स की गई जज साहब, यहां तक के शामीर के फोन पर आखिरी कॉल भी तुम्हारी है। इसके दोस्त के मुताबिक वो अलीजे के बुलाने पर मॉल गया था, और वहां अलीजे का भाई पहुंच गया और अपनी बद किरदार बहन को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में शामीर की गन छीन कर अलीजे की जगह शामीर को गोली मार दी। अलीजे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम आज छोड़ गई थी ना, क्या हुआ वहां बताओ। हाइल भाई मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़े थे, उनसे एक दफा भी नजर नहीं मिला सकी, और अबू बस सर झुकाए बैठे हुए थे वहां। उन्होंने एक दफा भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा, उनके अंदर हौसला ही नहीं था। वकील झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, उस पर इतने इल्जाम लगे और मेरा सच किसी को सुनाई नहीं दिया। सच इतना कमजोर कैसे हो सकता है अहमद, उसकी गूंज झूठ की तरह तेज क्यों नहीं होती? अलीजे झूठ झूठ होता है, चाहे पूरी दुनिया घुमाए, लेकिन एक ना एक दिन उसकी हकीकत सामने आ ही जाती है। और रही बात सच की, उसको साबित करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन
साबित हो ही जाता है। अहमद, मैं सबको यकीन कैसे दिलाऊंगी कि मैं बेकसूर हूँ? कैसे? तुम पे कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस गलतफहमी में था कि मैं उसे भूल चुका हूँ। शामीर के साथ अपने दिल में छुपी अलीजे की मोहब्बत को भी दफन कर दिया था मैंने, लेकिन आज उसे देखते ही मेरा गुस्सा, मेरी शिकायतें, उसे भूलने के मेरे इरादे रेत की भुरभुरी दीवार की तरह क्यों बन गए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी आंखें शायद मुझसे शिकवा कर रही थी, लेकिन वो मुझसे शिकायत कैसे कर सकती है? इस सब में मेरा कसूर ही क्या है? I don't know, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किस पे यकीन करूं, किससे पूछूं कि सच्चाई क्या है? खुर्रम, ऐसे एक बात है, लाइटर दे। जब से शामिर गए जिंदगी के सारे रंग ही चले गए। सही कह रहा है यार, तू था तो बहुत सखी, बहुत कितने ऐश करवाता था हम सबको, बहुत ऐश करवाता था यार। अब तो वो दिन ही नहीं रहे। हेलो हेलो खुर्रम, तबरेज बात कर रहा हूँ। एक सेकंड में आता हूँ। हाँ तबरेज, बोलो क्या बात है? आज कैसे याद कर लिया मुझे? सब खैरियत तो है ना? मुझे मिलना है तुमसे। क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ, कुछ डिस्कस करना था तुमसे। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं, आज मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, मुझे जल्दी घर जाना है। क्यों ना हम कल का प्लान रखें? कल का ठीक है, लेकिन कल हर हाल में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। रानिया बिटिया, अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? उठो उठो बेटा, उठो उठो, शाबाश बैठो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आपको लगता है मेरी जिंदगी में अब कुछ ठीक है? देखो बेटा, मायूसी की बातें नहीं करते, मायूसी की बातें करना गुनाह है। इंसान के मुकद्दर में अल्लाह ने जो लिख दिया वो ही होता है। आने वाले कल के लिए अच्छा सोचना चाहिए। जब मान टूट जाता है ना, तो कुछ भी सलामत नहीं रहता, ना उम्मीद ना भरोसा। जब से होश संभाला, मैं नाम के बाद हमेशा शामीर का नाम सुन। आप जानती है ना, मैं शामीर के हवाले से बहुत पजेसिव थी। आप बताएं मुझे, मेरे अलावा भी कोई था उनकी जिंदगी में? नहीं बेटा, तुम्हारे अलावा हर कोई नहीं था। वो लड़की जिसे शामीर मिलने गए थे, कौन है? आपको अंदाजा नहीं है, जब से ताई अम्मी ने मुझे उसके बारे में बताया है, मेरे अंदर एक आग लगी है। मुझे तो कितना गरूर था शामीर की मोहब्बत पर। उन पर सिर्फ मेरा हक था, ये सोच कर ही खुद पे रश्क होता था मुझे। लेकिन हमारे बीच में कोई तीसरा भी था? नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो गई है।
मियां बीवी के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। तो फिर वो लड़की वो कौन है जिसने मेरे शामीर को मुझसे छीन लिया? मेरी खुशियों ने मेरे आंगन में पहला कदम रखा था और मेरे दामन को बेरंग कर दिया उसने। वो मुझसे मिलेगी तो मैं उससे पूछूंगी क्या बिगाड़ा था मैंने उसका, बिगाड़ा था क्या, बिगाड़ा था मैंने उसका क्या, बिगाड़ा था। वो कभी मुझे मिल जाए मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी जान ले लूंगी, मैं उसे मार दूंगी जान से जो शामिल छीन लिया मुझसे। तुम शामीर के बहुत पुराने दोस्त हो, उसके हर राज से वाकिफ हो। मुझे सच सच बताओ कि क्या वाकई शामीर का उस लड़की से कोई ताल्लुक था? देखो तबरेज वो बात ही है। और प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे वो मत बताना जो तुमने कोर्ट में बताया है, मुझे सच जानना है। शामीर और अलीजे कब से एक दूसरे को जानते थे? उसने पहली बार उसे तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ही देखा था, बस फिर वो उसकी खोज में लग गया था। उसका मोबाइल नंबर भी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर मंगवाया था, वो लीजे के कॉलेज में पढ़ती है। तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से रابطे में थे? नहीं, वो उसे नहीं जानती थी। वो अपनी सहेलियों के साथ कहां जा रही है ये इंफॉर्मेशन भी मैंने लाकर दी थी शामिर को। तुम्हें तो पता है कि शामिर कितना जिद्दी था, वो मेरी जरूरतों का ख्याल रखता था और मुझे भी उसकी बात माननी पड़ती थी। दरअसल शामिर का प्लान उस लड़की को अगवा करने का था। अगर उस दिन उसका भाई वहां ना पहुंचता तो